हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल एक बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। इस ट्रिक से अगर आप याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, 100% गारंटेड। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पे मेटल्स हैं और यहाँ पे जो हम लोगों का ट्रिक है वो लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे करण ने, ट्रिक क्या है, करण ने कार मांगी, आल्टो, जेन, फरारी, सुजुकी, फिर भी क्यों है मिली, सिल्वर, ऑडी, पीजियोट। ये ट्रिक बहुत ही शानदार ट्रिक है। इसमें आप लोगों को ज़्यादा याद नहीं रखना होगा क्योंकि ये सब जो नाम है आल्टो, जेन, फरारी, सुजुकी, ऑडी, पीजियोट, ये सब जितने नाम है ये कार की कंपनी के नाम है। तो एक बार मैं बता दूं कि ये क्या चीज को कौन डिनोट कर रहा है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें पहले नंबर पर आता है पोटेशियम। तो पोटेशियम के लिए है करण, यहाँ पे जो करण है वो पोटेशियम को दिखा रहा है। फिर आता है सोडियम, सोडियम के लिए है यहाँ पे ने। फिर आता है कैल्शियम, यहाँ कैल्शियम के लिए है कार। मांगी, मांगी के लिए है मैग्नीशियम। आल्टो, एल्युमिनियम, आल्टो एल्युमिनियम। जेन, जिंक। फरारी, आयरन। सुजुकी, टिन, जिसका सिंबल होता है SN। फिर भी, लीड। CU, कॉपर। है मिली, मरकरी। सिल्वर, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिल्वर। ऑडी, गोल्ड। प्यूजियोट, प्लैटिनम। तो यहाँ पे जो कि मेटल्स हैं उसके यहाँ पे सिंबल लिखे हुए हैं और यहाँ पे पूरा मेटल का नाम लिखा हुआ है इसरो में। और एक मैं आप लोगों को एक्सेप्शन बता देना चाहता हूँ, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये एक नॉन मेटल है लेकिन ये मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज में आता है, यहाँ पे आता है, ये लीड के बाद आता है। क्योंकि क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये कुछ मेटल का प्रॉपर्टी को मतलब कि शो करता है, इसीलिए हम लोग इसको भी काउंट कर लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में। ये NCERT के हिसाब से, NCERT में रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में हाइड्रोजन को काउंट किया गया है। अगर आप किसी और स्कूल के हैं तो उसमें नहीं भी हो सकता है कि काउंट किया हो, लेकिन आपके टीचर जो आपको बोलते हैं आप उसी को मान लीजिएगा क्योंकि टीचर से झगड़ा नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप लोग हाइड्रोजन को, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बीच में, क्योंकि NCERT के हिसाब से लीड के बाद हाइड्रोजन आता है। और CBSE के लिए NCERT भगवान है। CBSE लोग NCERT में जो लिखा है वही फॉलो करें और जो बाकी के स्कूल के हैं वे टीचर से एक बार पूछ लें, जो टीचर बोल रहे हैं उसी को माने, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो है ये ऊपर से नीचे, मतलब जो इसका जो है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये रिएक्टिविटी घटते जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम, सोडियम, जैसे जैसे नीचे होते जा रहा है उसका रिएक्टिविटी घटते जा रहा है। और सबसे कम रिएक्टिव होता है प्लैटिनम, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे कम रिएक्टिव है, ये जल्दी रिएक्ट ही नहीं करेगा, आसानी से रिएक्ट ये सब हो जाते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसीलिए अगर आप लोग सोडियम को अगर आप लोग एयर में रख देंगे तो वो अपने आप ही आग पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं। तो ये जो है ये मतलब कि रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे वाले जो हैं, जैसे जैसे नीचे होते जा रहा है एलिमेंट वैसे ही उसका रिएक्टिविटी घटते जा रहा है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, बस हो गया। तो जैसे जैसे नीचे हो रहा है रिएक्टिविटी घटते ही जा रहा है, इसीलिए मेन कारण है कि जो सोडियम है हम लोग का ये स्पॉन्टेनियस कंबशन शो करता है, क्योंकि ये ज़्यादा
रिएक्टिव होता है, इसीलिए ये ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने से फटाक से रिएक्शन शो कर देता है। तो यही था हम लोगों का मज़ेदार ट्रिक। आप लोग वीडियो में बने रहें, ऐसे ही वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे कंटेंट आप लोगों को मिलते रहते हैं और ख़तरनाक ट्रिक के साथ। तो आप लोग इस ट्रिक को लर्न कर लें और आप लोगों को ये हर एक जगह काम आएगा। जैसे कि जो अभी स्टूडेंट है उसके लिए ये स्कूल में काम आएगा, ये स्कूल में पूछा भी जाता है, और ये फिर आपको जब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे तो उसमें आपको काम आएगा। जो ऊपर वाला है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और जैसे जैसे नीचे होते जाता है रिएक्टिविटी घटते ही जाता है, इसीलिए ये जो गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये एकदम ही कम रिएक्टिव होता है। गाइस थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।